हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग कुक। आज हम बनाने वाले हैं कच्चे आम की खट्टी मीठी लौंजी। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। तो इसके लिए पहले यहाँ पर मैंने लिए हैं कच्ची कैरी, तकरीबन आधा किलो मैंने यहाँ पर कच्ची कैरी ली है और इनको मैंने साफ़ पानी में धोकर इनका छिलका अच्छे से निकाल लिया है। और अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो इसको कट करने के लिए मैंने यहाँ पे इसमें बीच में से कट लगाया है और जो बीच की इसकी गुठली है ना, इसको हम निकाल देते हैं और इसको लंबे लंबे स्लाइसेस में यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ। आपको जो शेप पसंद हो आप उसमें इसे कट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे चौकोर पीस में भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है गाइस, बहुत ही ज़्यादा यम्मी होती है। इसे आप पराठे के साथ सर्व कीजिए या बच्चों के टिफ़िन में भी आप इसे दे सकते हैं। तो चलिए हम इसको आगे बनाते हैं और इसकी आगे का प्रोसेस जो है हम तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरह से जो हम सारे जो ये आम हैं, कच्चे आम जो मैंने यहाँ पर लिए हैं, इनको मैं कट कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि जो मैं आप यहाँ पर ले रही हूँ, ये थोड़े थोड़े से आपको येलो येलो से दिखाई दे रहे होंगे, तो वो इसलिए हो गए हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर एक दिन पहले पुराने रखे हुए मैं आम यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ताज़ी ताज़ी कैरी यहाँ पर यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल हरी हरी होती हैं, लेकिन इससे हमें कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हम इसे मीठी भी बनाने वाले हैं, मतलब हम इसमें चीनी का यूज़ करेंगे। तो अगर आपके आम थोड़े बहुत मीठे हैं तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन और इस पैन में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एक बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल को हम गरम होने देंगे और गरम होने के बाद हम ऐड करेंगे इसमें एक चम्मच जीरा, एक चम्मच मेथी दाना, ये सारे खड़े मसाले मैं यहाँ पर ले रही हूँ, एक चम्मच राई यानी कि सरसों है ये काली सरसों, एक चम्मच कलौंजी, और एक चम्मच अजवाइन। एक चम्मच से थोड़ा सा कम ही लिया है मैंने अजवाइन यहाँ पर, और मुझे ना इसमें सौंफ का फ्लेवर बहुत ही पसंद आता है तो इसलिए मैं यहाँ पर एक चम्मच इसमें सौंफ भी ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं। तो इन सभी मसालों को हम अच्छे से एक बार भून लेंगे और जैसे ही मसाले भुन जाएंगे उसके बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं कच्चे आम और इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले जो हैं वो आम में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे इसी तरीके से चलाएंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक गिलास पानी। पानी इसमें ज़्यादा ऐड ना करें क्योंकि थोड़ी सी जैसी चटनी होती है ना, चटनी की जैसी ही अच्छी लगती है, ज़्यादा अगर आप पानी इसमें डाल देंगे तो ये उतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो मैंने यहाँ पर टोटल एक गिलास पानी यूज़ किया है, जो आप घर में जो आप पानी पीते हो जो गिलास होता है वही मैंने गिलास लिया है यहाँ पर। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ आधे चम्मच से भी कम नमक। नमक आप इसमें आप अगर चाहें तो डालिए, अगर ना भी चाहें तो मत डालिए क्योंकि इसके बाद हम इसमें चाट मसाला और काला नमक ऐड करेंगे। अगर आप नमक ज़्यादा कम खाते हैं तो आप इसमें सफ़ेद नमक ना डालिए। मैं थोड़ा तेज़ खाती हूँ, ज़्यादा खाती हूँ नमक, इसलिए मैंने यहाँ पर काला सफ़ेद नमक डाला है। तो अब हम इसे ढककर पकने के लिए छोड़ देते हैं, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। 5 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए हल्का हल्का पानी में जो है बॉयल आने लगा है। अब हम इसे एक बार चला लेते हैं। और अब हम इसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है और हल्का सा थोड़ा चटपटा भी हो जाता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और चुटकी भर मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर ले रही हूँ। इन सभी मसालों को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं जो ये आम है वो थोड़े थोड़े से गलने लगे हैं, पकने लगे हैं। अब हम इसे अच्छे से इस तरीके से सेट कर देंगे और फिर से हम इसको ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो चलिए 5 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं।
तो देखिए आम जो है वो काफी हद तक गल चुके हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी जो है पानी में अच्छे से मिक्स नहीं हुए हैं, मतलब जो पानी है वो आम से अलग दिखाई दे रहा है। आम तो गल चुके हैं, तो अभी हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो मैंने यहाँ पर लिया है आधा कटोरी चीनी, तकरीबन 50 ग्राम चीनी मैं यहाँ पर ले रही हूँ, क्योंकि ये जो आम थे वो थोड़े मीठे भी थे, तो मैंने यहाँ पर चीनी थोड़ी कम ही ली है। अगर आप खट्टे वाले आम यूज़ कर रहे हैं तो चीनी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखिएगा। अभी हम इसे और पका लेते हैं। अभी हम इसमें और बॉईल आने देंगे एक बार, क्योंकि हमने इसमें चीनी डाली है, तो हम इसे जब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी जो है अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। तो ये देखिए गाइस, चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो गई है और जो पानी है वो भी अच्छे से आम में मिक्स हो गया है, अलग अलग नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं नमक। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा चम्मच काला नमक और एक चम्मच मैं यहाँ पर ले रही हूँ चाट मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालिए, वो अगर ना हो तो ना डालिए, लेकिन इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, अगर हो तो ज़रूर डालिएगा। इसे अच्छे से मिला लेते हैं, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है, कितनी अच्छी लग रही है बिल्कुल। अगर आप चाहें तो इसे गुड़ से भी बना सकते हैं, गुड़ से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैंने यहाँ पर चीनी डाली है। आपको जो पसंद हो आप वो डालिए। अगर आप गुड़ की बनाते हैं तो उससे इसका कलर जो है वो और भी ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो ये बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको सर्व कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारी कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे आप परांठे के साथ बच्चों के टिफ़िन में दीजिए, उनको बहुत पसंद आएगी। और इसे आप आसानी से 15 से 20 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।